गर्मा गर्म मोड वाले। तो भाई पिछली बारी जो हमने वीडियो बनाई थी टॉप 10 GTA 5 के अंदर जो एनिमे और कार्टून करेक्टर्स वाली थी, वो वीडियो पे आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, और अभी तक वो नहीं देखी तो देख कर आओ, मैं नीचे लिंक दे दूंगा। एंड मैंने सोचा क्यों ना आज भी ऐसी एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि व्यूज हाँ ठीक है। तो भी आज हम फिर से वापस लेके आ गए टॉप 10 GTA 5 मोड्स वाली सीरीज को, एंड इसके अंदर आज हम सिर्फ और सिर्फ सुपर हीरो करेक्टर्स ही नहीं विलन्स को भी इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि भैया विलन तो साइड में रह जाते हैं और उनको कौन बुलाएगा, तो हम लाएंगे ना। तो इसलिए जल्दी से इस वीडियो को नीचे लाइक कर कराओ, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना अभी। तो बिना किसी देरी के चलते अपने पहले मोड की ओर, लेट्स गो। तो भैया लिस्ट के अंदर अपना सबसे पहला मोड आ जाता है फ्रीजा का। और भाई हमेशा की तरह ये कोई भी रैंकिंग के अंदर नहीं है, सारे के सारे मोड्स एकदम ही रैंडमली है, एंड इन सब के लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो भैया अपना पहला मोड है ड्रैगन बॉल जी से यहाँ पर फ्रीजा का, जिसके अंदर आपको यहाँ पर इसका सुपर फॉर्म भी मिल जाता है, एंड वो सारा पैक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। एंड यहाँ पर फुल डिटेलिंग के साथ मोड है, और ये एनीमे है अपने ड्रैगन बॉल जी के अंदर। जिन लोगों ने देखी उनको पता है, जिन्होंने देखी नहीं तो क्या ही करोगे, सीधा मोड डाउनलोड करो और खेलो भाई। एंड बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट मोड की ओर। और भाई अगला जो मोड आता है वो है नारुतो उज़ुमाकी, एंड नारुतो अपना मोड। एंड आई थिंक ऑलरेडी बहुत लोग इस वाले नारुतो के बारे में जानते होंगे इसके एनीमे जो है, और यार ये गलती से ना मैंने एड ऑन वाले के अंदर इसको फीमेल में सेट कर दिया था, तो इसलिए थोड़ा सा माइंड मत करना। तो बाकी ये नारुतो का मोड भी है जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है, एंड इसके अंदर आप चाहो तो स्क्रिप्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हो, वो आपको अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा। एंड अगर वो आप चाहते हो कि कैसे करते हो तो वो उसके लिए भी बता देना कमेंट में। तो ये था नारुतो फुल अपने हेडबैंड वगैरह के साथ, जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा था। एंड इसके बाद सीधा चलते अपने नेक्स्ट मोड की ओर। अब जो लोग भाई स्पाइडरमैन के फैन है उसको ये वाला विलन तो सबसे ज्यादा याद ही होगा, ग्रीन गोब्लिन, एंड ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट विलन है स्पाइडरमैन का। और ये ग्रीन गोब्लिन की जो मोड है बहुत ही तगड़ी है, एंड इसके अंदर आप चाहो तो वो भी लगा सकते हो, इसके नीचे का जो होवर बोर्ड होता है वो आपको अलग से डालना पड़ेगा, वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया क्योंकि भाई ये एनिमे करेक्टर्स वाला था। और भाई मैंने ये मोड डाउनलोड तो किया था, लेकिन यार ये वाला मोड बहुत ही ज़्यादा शाइनी टाइप्स है, अगर आप चाहो तो उस वेब लिंक से जाके और भी सिलेक्ट कर सकते हो इधर उधर ढूंढ के। तो ये था ग्रीन गोब्लिन का। अगर आप चाहो तो कोई भी GTA 5 स्टोरी टाइप्स बना सकते हो इसके साथ, ईविल वाली चीज़ें करना चाहो तो कोई विलन के अंदर डालना चाहो, ऐसे बंदों को ला रखो ना, इसलिए मैंने ये डाली है चीज़ें। एंड इन सब करेक्टर्स को मिला के आप एक बहुत ही अच्छी स्टोरी टाइप बना सकते हो GTA 5 के अंदर, जो कि आपको अच्छे खासे व्यूज दे देगी। तो अब जल्दी से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मोड की ओर। तो अब अगला मोड जो आता है वो है भाई साहब मार्वल फैंस के लिए, ये लोगों ने बहुत, अगर आपने मून नाइट वाली सीरीज देखी है तो ये आपको पता ही होगा कौन है, एंड ये एक एंटी विलन कह सकते हो आप वो है। और यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया सा हमें मिल जाता है, इसका डिजाइनिंग बहुत अच्छी हुई रखी थी, तो मैंने इसको भी इंक्लूड कर दिया। तो ये अपना मून नाइट का करेक्टर, जो कि भाई मुझे तो देखने में बहुत ही ज्यादा मस्त लग रहा है, एंड इसे भी आप बहुत अच्छी चीजों में यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट बोर्ड जो है वो है कुछ एनिमे फैंस के लिए, जिन्होंने भाई सब डेथ नोट देख रखी है, एंड ये तो आपने देखी रखी होगी, भाई ये मत कहना कि ये नहीं देखी। वहां से आपको मिल जाता है लाइट यागामी, एंड ये करेक्टर भाई सब बहुत ही तगड़ा है भाई, इसे आप हीरो भी मान सकते हो विलन भी मान सकते हो, सबका अपना अपना ओपिनियन है, क्योंकि ये बहुत ही मस्त करेक्टर था भाई सीरीज का, एंड माय पर्सनल फेवरेट भी, और ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। अब इस मोड का आप चाहो तो वैसे कि कोई स्कूल बॉय टाइप वीडियो के अंदर यूज कर सकते हो, बाकी तो मुझे इसका कुछ ज्यादा यूज ऐसे लगा नहीं। अगले मोड की ओर चलो जी। और यहाँ पर आ गया डॉक्टर भैया, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज, ये भी जिन लोगों ने मार्वल देखी है वो उनको पता ही होगा, एंड यहाँ पर ये मुझे बहुत ही मैजिशियन टाइप्स लगा बंदा, और इसलिए मैंने उठा लिया इसको भी। एंड इस वाले मोड की भी डिटेलिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी है भाई, ये मेरे को बहुत ही ज्यादा पर्सनल अच्छा लगा, और इस वाली सीरीज के अंदर भी ये मुझे सबसे बेस्ट लगा ये वाला मोड। तो ये था डॉक्टर स्ट्रेंज फ्रॉम मार्वल। अब बढ़ते हैं अगले मोड की ओर। तो नेक्स्ट वाला मोड भी आ जाता है भाई अपने मार्वल से ही, आयरन स्पाइडर का। और भाई साहब ये वाला आयरन स्पाइडर बहुत ही तगड़ा लग रहा है, क्योंकि इसके पीछे स्पाइडर वाले आपको वो भी मिल जाते हैं वेब से जो लगे हुए हैं, मेरा मतलब कि स्पाइडर वेब नहीं स्पाइडर लेग लगे हुए हैं, और यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। वैसे तो आपको स्पाइडरमैन के बहुत ही सारे मोड्स मिल जाएंगे, स्पाइडरमैन के बहुत सारे अवेलेबल है, लेकिन ये वाला जो है ना इसकी डिटेलिंग मुझे अच्छी लगी, तो मैंने इसीलिए ये वाला सिलेक्ट किया, क्योंकि भाई क्वालिटी के अंदर नो कॉम्प्रोमाइज। एंड इसी के साथ नेक्स्ट मोड की ओर। तो भाई अब स्पाइडरमैन को डाल दिया था, एंड उसका विलन कैसे भूल जाते हैं, तो यहाँ पर इसलिए आ गया वेनम। भाई साहब ये वेनम मुझे बहुत ही तगड़ा लगा, इसके अंदर भी देख सकते हो बहुत ही अच्छी डिजाइनिंग कर रखी है, एक एक चीज मस्त हमें मस्त लग रही है, सभी मस्त लग रहे हैं, क्या ही बोली जा रहा हूँ मैं। तो ये था वेनम, एंड इसको भी आप यूज कर सकते हो कोई भी स्पाइडरमैन वर्सेस वेनम की फाइट एंड ऐसे ही कुछ बनाने के लिए, और बहुत सारी चीजें इससे बन सकती हैं।
तो इसीलिए इस वाली सीरीज के अंदर वेनम के मोड को भी एक थम्स अप है। तो अब अगला जो मोड है वो है सबसे तबाहीदार मोड, क्योंकि ये अपने हल्क का वो भी सीधा एंड गेम से, जो कि आपको बैनर और हल्क वाला मिक्सचर वाला मोड जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इस वाले मोड के अंदर जो है डिजाइनिंग अच्छी लगी एंड डिटेलिंग भी अच्छी है, और ये मोड में मुझे अच्छा लगा एंड इसीलिए ये इसको भी मैंने अंदर डाल दिया लिस्ट में। और भाई इसके बाद अपना जो एंड वाला मोड आता है वो है भाई अपने हल्क के सबसे अच्छे दोस्त टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन का। एंड यहाँ पर ये जो है शायद से MK85 वाला था, लेकिन मैंने नीचे जो लिंक दी है वो MK5 होगा शायद से। बाकी आप चूज कर सकते हो कि आपको कौन सा मोड चाहिए, उसमें बहुत सारे अवेलेबल हैं। एंड आप चाहो तो आयरन मैन के बोर्ड्स की स्क्रिप्ट्स भी डाउनलोड कर सके, उनकी पावर वगैरह यूज कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। एंड या ये थे आज के कुछ मोड्स, जो कि अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके जाना एंड चैनल पर रहे तो सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट्स के अंदर बताना कि अगले जो बोर्ड्स आए या फिर अगली कोई वीडियो की सजेशन देने के लिए सब कुछ कमेंट के अंदर बताना और टॉपिक वगैरह बताते रहना। एंड इस लिस्ट के अंदर से अपना फेवरेट मोड जरूर से कमेंट करना, एंड मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए Goodbye.